फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं सरसों की सब्जी बनाने के लिए। यह है सरसों की सब्जी, तो आप इसे अच्छे से पहले कट कर लीजिए और कट करने के बाद हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि कोई भी हरी सब्जी बनाओ तो उसे पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सब्जी कट कर ली है, तो जो इस तरह के मोटे मोटे डंठल टाइप आते हैं ये भी आप काट के इसके बीच में डाल लीजिए, इससे सब्जी और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें खूब सारा जो है लहसुन ले लेना है। तो लहसुन को आप यहाँ पे अच्छे से छील लें, जितना ज्यादा डालोगे उतनी ही सब्जी अच्छी बनेगी। तो मैं यहाँ पे लहसुन को छील लेती हूँ। तो आपने यहाँ पे लहसुन को अच्छे से निकाल लेना है। इस तरह से हम ये सारे लहसुन जो है ये निकाल लेंगे। तो अब हम इसके साथ एक टुकड़ा लेंगे अदरक का और इन सबको पीस के इनका एक पेस्ट बना देंगे। आप अगर कट करके भी डालेंगे ना तो भी ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी, बट अगर इसे पीस के डालेंगे तो और भी ज्यादा टेस्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बस दरदरा साइज को पीस लें, ज्यादा बिल्कुल पेस्ट मत बनाएं, बस इस तरह से दरदरा साइज को पीस लें। तो फ्रेंड्स, आपने सब्जी को अच्छे से वॉश करना है, 3-4 बार इसको अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद इसके बीच में पानी रहने दें। जब भी आप सब्जी निकालें तो पानी के बीच से इस तरह से निकाल के इसको निचोड़ के फिर डालें, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी रेत वगैरह होगा तो वो नीचे रह जाएगा। तो अब हमने ले लिया है पैन, एक डाल रख दिया है हमने। अब हम कर लेंगे गैस ऑन और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। कभी भी आप सरसों का साग बनाएं तो इसमें तेल सरसों का ही डालेंगे, क्योंकि उससे इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग कई लोग रिफाइंड वगैरह डाल के बनाते हैं, बट उससे वो टेस्ट नहीं आता है। तो हमेशा यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज करें। तो आप अपने सब्जी के अकॉर्डिंग ही तेल लें, यहाँ पे ज्यादा तेल ना डालें। अगर आपकी सब्जी कम है तो थोड़ा डालें, अगर सब्जी ज्यादा है तो ज्यादा लें। साथ में ले रही हूं मैं चाय की चुस्की और साथ में आपको दिखा रही हूँ कि मैं सब्जी किस तरह से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तेल को यहाँ पे हमें जितना गर्म करना है वो हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम डाल देते हैं यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा आपने यहाँ पे जो है तेल को मीडियम से लो फ्लेम के बीच में रख के ही अपना लहसुन डालना है, ऐसे मत डाल देना, उससे क्या होगा ये बहुत जल्दी जल जाएगा और आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप गैस को बिल्कुल कम करके यहाँ पे लहसुन और अदरक का ये जो हमने दरदरा से एक वो कूट के बनाया है इसको यहाँ पे हम डाल देंगे और इसको अब हमें चलाना है। तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस इसे हल्का हल्का सा पकाना है, ज्यादा नहीं। इससे आपको एकदम हेल्दी वाला जो है ये सब्जी जो सरसों की बनके रेडी होगी। अगर आप चाहते हैं हेल्दी सब्जी खाना तो आप इस तरह से बनाएं, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा मसालेदार वगैरह जो वो सब बनाना चाहते हैं तो उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाती हूँ, तो मैं तेल भी कम यूज करती हूँ और लहसुन और अदरक को मैं बहुत ज्यादा नहीं पकाती हूँ। तो चलिए इसे हम हल्का सा पकने देंगे। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है यहाँ पे, ये देखिए फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है और इसको मैं हल्के से 2 मिनट के लिए पका लेती हूँ। जब आपका इतना ये मटेरियल अच्छे से जो पक जाए उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज्यादा कम डाल सकते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे एक पिंच सारा हल्दी डाल देंगे और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपने सब्जी में डालना है। और उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे धनिया पाउडर। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप साबुत धनिया ही यहाँ पे कट करके डालें, अगर साबुत धनिया नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। बस इन्हीं चीजों को हमको यहाँ डालना है और 1 मिनट और पका लेना है। देखिए हमारा जो अदरक और लहसुन है उसका हमने कलर चेंज नहीं किया है, बट वो अच्छे से पक गया है, वैसे ही व्हाइट व्हाइट है। अब बहुत ज्यादा इसको ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही हल्का सा पका दीजिए और उसके बाद अपने मसाले डाल दीजिए। तो सूखे मसाले भी हमारे यहाँ पक गए हैं अच्छे से। अब हम डाल देंगे अपनी सब्जी। तो फ्रेंड्स, आपने सब्जी को बस पानी में से निकालना है, अच्छे से निचोड़ लेना है दोनों हाथों से और फिर उसके बाद आपने इसमें डाल देना है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। और हाँ सॉरी फ्रेंड्स, पीछे ना मैरिज हॉल है मेरे घर के, तो वहां पे गाने वगैरह लगे हैं, शादी हो रही है, दैट्स व्हाई थोड़ी सी आपको साउंड आ रही होगी उसकी भी, उतना सा प्लीज टॉलरेट कर लेना। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक के 4 या 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जो लहसुन और अदरक से इसका टेस्ट आता है और वो बहुत हेल्दी भी होता है, खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि साग जो हमारा होता है सब्जी सरसों की वो ठंडी वाली होती है, मतलब ठंडी तासीर होती है उसकी, और लहसुन और अदरक डालने से गर्म और सर्द दोनों हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है दोनों का, ठीक है। तो अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पका देंगे। इसको अब हम ढक लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं।
फ्लेम आप फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम ही रखनी है, बिल्कुल हाई नहीं करनी है, उससे जल जाएगा, मॉइस्चर खत्म हो जाता है सब्जी का। सो आप यहाँ पे मीडियम से लो के बीच में रखें, बिल्कुल लो भी ना रखें बट मीडियम से थोड़ा सा कम ही रखें, और इसे हल्के से पकने दें आराम से। तो फ्रेंड्स इसको आप बीच बीच में थोड़ा सा ओपन करके देखते रहें और इसे थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहें, क्योंकि ये पूरा सॉफ्ट होना चाहिए अच्छे से, तभी ये बन के रेडी होगा। तो अभी इसमें पानी भी है तो पानी को भी हमको सुखाना है और इसको पकने देना है पूरा अच्छे से। जब तक सॉफ्ट नहीं होता तब तक आपने इसको पका लेना है। तो अभी ये हमारा सॉफ्ट नहीं हुआ है तो इसे हम फिर से ढक्कन लगा के थोड़ी देर और पकने देंगे। तो लीजिए फ्रेंड हमारी सब्जी जो है वो बन के रेडी है। तो बस इसी तरह से इतना ही हमको इसको पकाना है। तो पूरी सब्जी हमारी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है और पक भी गई है, तो पानी भी खत्म हो गया हमारी सब्जी का, तो बहुत अच्छे से हमारी सब्जी जो है वो बन गई है। तो इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत हेल्दी रहेगी और आपके लिए बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस तरह से सब्जी बना के खा सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और सच मानिए बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है ये सब्जी। तो चलिए अब हम मक्की की रोटी के साथ इसको खाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से नई एक और वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।